नमस्कार, मैं सृष्टि, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। आइए एक नजर अब तक के मुख्य समाचार पर। आर्यन खान को मिली बड़ी राहत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी जमानत। चुनावी रणनीतिकर प्रशांत किशोर ने कहा, बीजेपी कई दशकों तक सत्ता से नहीं जाएगी, कंफ्यूजन में है राहुल गांधी। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वानखेड़े के खिलाफ फिलहाल कोई सख्त कदम ना उठाए। टीएमसी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस ट्वीट तक सीमित है, इसलिए डूबी। इसराइल के राजदूत नाओर गिलोन बोले, भारत के साथ सदियों पुराने संबंध को और मजबूत करेंगे, पेगासस भारत का अंतरिक्ष मामला है। इस्लामाबाद को घेरने निकली हजारों की भीड़, टीएलपी की दो मांगों की वजह से बिगड़े हालात। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने टीएलपी पर लगाए AK-47 इस्तेमाल करने का आरोप, हिंसक झड़प में मारे गए पुलिसकर्मी। भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 7000 तो निफ्टी 18000 के नीचे हुआ बंद। ऑस्ट्रेलिया दिग्गज डेविड वार्नर की बड़ी भविष्यवाणी, कहा 4-0 से ऑस्ट्रेलिया जीतेगा एशेज सीरीज। सलमान खान के बड़े प्रोजेक्ट बियॉन्ड द स्टार, सलमान खान का हिस्सा बनेंगे आलिया भट्ट, एंकर की भूमिका निभाती आएंगी नजर। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे इंडिया खबर।